केंद्रीय बजट के खिलाफ विपक्षी सांसदों द्वारा राज्यसभा से वॉकआउट किए जाने पर सदन के अध्यक्ष जगदीप धनखड़ ने कहा कि माननीय सदस्यों, आज बजट पर चर्चा सूचीबद्ध थी और मैंने विपक्ष के नेता को यह उम्मीद करते हुए मंच दिया था कि नियमों का पालन किया जाएगा। मुझे लगता है कि इसे एक चाल और रणनीति के रूप में इस्तेमाल किया गया। जगदीप ने कहा कि माननीय सदस्यों, मैं आपसे दृढ़ता से निवेदन करता हूं, यदि व्यवधान और गड़बड़ी को राजनीतिक रणनीति के रूप में हथियार बनाया जाता है जैसा कि अब किया गया है, तो लोकतंत्र गंभीर रूप से खतरे में पड़ जाएगा। संसद संवैधानिक और लोकतांत्रिक मूल्यों और स्वतंत्रता का गढ़ है। मैं वास्तव में हैरान हूं कि आज और उसके बाद के दिनों में जब हमारे पास माननीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट पर विचार करने का पर्याप्त अवसर होगा, तो इस उद्देश्य के लिए मेरे द्वारा दी गई सुविधा का लाभ उठाने का कोई अवसर या औचित्य नहीं था। ऑनरेबल मेंबर्स, डिस्कशन ऑन द बजट वाज लिस्टेड टुडे एंड आई गेव फ्लोर टू द लीडर ऑफ द अपोजिशन इन एक्सपेक्टेशन दैट रूल्स विल बी फॉलोड। आई फाइंड इट हैज बीन यूज्ड एज अ प्लॉय and a strategy. Honorable members, I strongly plead with you. Democracy will be seriously threatened if disruption and disturbance are weaponized as a political strategy, as has been done now. Parliament is citadel of constitutional and democratic values and liberties. I am aghast, as a matter of fact, when during the day and days following, we'll have ample opportunity to reflect on the budget presented by the Honorable Finance Minister. There was absolutely no occasion, justification, even remotely, to avail the facility accorded by me for this purpose. I cannot persuade myself but to take serious exception to this unwholesome practice adopted by a senior member, leader of the opposition. I will call upon leaders of the parties to soul search and my reflections about Rule 267. That in more than 3 decades it has been availed only for half a dozen occasions. And every day of the sitting, I get number of such requests. It is being taken as a routine exercise, as a habit. It has reduced itself to a farcical exercise. In spite of my serious observations yesterday, since no focus has taken place, I have again uploaded the same on your portal. हर न्यूज अपडेट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें रॉयल बुलेटिन का व्हाट्सएप ग्रुप और पाएं हर खबर सबसे पहले अपने व्हाट्सएप पर। अपने आसपास की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन और इस वीडियो पर कमेंट के जरिए अपनी राय देना ना भूलें।